नमस्कार दोस्तों, तनुश्री इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे पास आज ये एम्पलीफायर आया है जो कि बेस ट्यूब पे लगता है। देखिए इसका 2x60W गोल्ड सीरीज का है। इसमें देखिए कंपनी, देखिए इसका अनप्लग कंपनी का है, ठीक है। तो इसका हम आज रिपेयरिंग करने वाले हैं और पहले इसमें लाइन देंगे और देने के बाद देखेंगे। कस्टमर बोल रहा है ये ऑन नहीं होता है, तो इसका कनेक्शन वगैरह देख लेते हैं। यहाँ पे दो दो बूफर लगा सकते हैं, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, और यहाँ पे क्रॉस कनेक्शन करेंगे तो ज़्यादा वाट निकलेगा। और यहाँ पे इसका कनेक्शन है, तो हम इसमें कनेक्शन दे के देखते हैं ये ऑन होता है या नहीं। कस्टमर बोल रहा है ये ऑन नहीं हो रहा, तो इसको हम रिपेयरिंग करेंगे। देखते हैं कॉल करके किस तरह का इसमें सर्किट लगा हुआ है। देखते रहिए और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मैं पहले इसको 12 वोल्ट सप्लाई लगा के चेक करता हूँ। तो दोस्तों हमने 12 वोल्ट का एडाप्टर कनेक्शन ले लिया है। इसमें हम एसी कनेक्शन लगा देते हैं। ये हमने इसमें एसी दे दिया, तो इसमें हम देखते हैं डीसी निकलता है या नहीं, डीसी मतलब डीसी वोल्टेज निकलता है या नहीं। तो पहले इसमें हम वोल्टेज चेक कर गए, देखिए 12 वोल्ट मिल रहा है। तो इस 12 वोल्ट को हम इसमें सप्लाई देंगे और देने के बाद देखेंगे किस कंडीशन में है, उसके बाद इसको हम रिपेयरिंग भी करेंगे, बने रहिए। इसमें देखिए स्क्रू रहता है, इसमें स्क्रू भी नहीं है, तो इसका स्क्रू इधर लगा के हम चेक करेंगे। ये कोई स्पीकर लाइन हम बाद में देखेंगे, पहले इसमें जो सप्लाई इसका ऑन होना चाहिए वो पहले होना पड़ेगा, बाकी काम अब बाद में देखेंगे। इसमें देखते हैं ये हमने इसमें देखिए पॉजिटिव, हमने ये पॉजिटिव इस तरह से लगाया, ये पॉजिटिव एक लग गया और इसका रिम कनेक्शन इधर बीच में दे देंगे, ये हमने दे दिया। और इसका नेगेटिव कनेक्शन इसमें देते हैं, देखिए वोल्टेज हमने दे दिया। अभी इसमें वोल्टेज चेक करते हैं, देखिए ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इसमें आना चाहिए 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट है। मतलब यहाँ पे देखिए एक फ्यूज़ लगा हुआ है, इसको हम खोल के देखेंगे, कभी कभी इस फ्यूज़ भी कटा हुआ रहता है। फ्यूज़ हमारा सही है नहीं, हम देखते हैं। देखिए फ्यूज़ इसका सही है, फ्यूज़ लगा दिया। तो इसको हम पीछे इसमें इसको खोलने के लिए पीछे खोलना पड़ता है, ये देखिए इस तरह का इसमें सील भी किया हुआ है। तो इसको हम खोलते हैं और खोल के देखते हैं इसमें किस तरह का बोर्ड लगा हुआ है। खोल लिया, स्क्रू इसका निकल गया, तो इसके साइड से ये देखिए अंदर में कुछ इस तरह का रहता है। तो इसमें देखिए कनेक्शन नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए हमको इसका बोर्ड जो है निकालना पड़ेगा, और बोर्ड निकालने के लिए जितना सारा स्क्रू है सारा इसमें से निकालना पड़ेगा, तब जाके ये ऑन होगा, ठीक है। इसमें हम पहले बोर्ड को निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये वाला स्क्रू खोलना पड़ेगा, हमने देखिए सारा इसका स्क्रू वगैरह खोल लिया है, तो इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए इसका बोर्ड कुछ इस तरह से है, ये हमारा दो मतलब मॉस्फेट है, ये दोनों डायोड है और ये चारों मतलब ट्रांजिस्टर है। इसको इसमें दो स्पीकर लगा सकते हैं, मतलब दो वॉक मतलब वफर लगा सकते हैं, इसीलिए चार ट्रांजिस्टर दिया गया है। ये बहुत हैवी होता है, तो इसमें हम वोल्टेज चेक करेंगे और देखेंगे वोल्टेज वगैरह सही से आ रहा है या नहीं। ये हमारा नेगेटिव कनेक्शन है,
12 वोल्ट, इसमें 12 वोल्ट, दोनों में 12 वोल्ट है। और इस मॉस्फेट पे देखते हैं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मतलब इसमें हम वोल्टेज तो इन हो रहा है, आउटपुट हो रहा है नहीं। ये हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए कैपेसिटर रहता है, यहाँ पे कैपेसिटर होता है, इसमें हम वोल्टेज चेक करेंगे कितना वोल्टेज इसमें इन हो रहा है, मतलब आउटपुट हो रहा है। फोर्टी सेवन वोल्ट आउटपुट, मतलब आउटपुट हो रहा है पावर सप्लाई में, ठीक है। तो इसमें देखेंगे एक तरफ 23 वोल्ट, मतलब पावर सप्लाई हमारा सही है, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम हो चुका है हम देखेंगे। 23, 23, 23, 23, इसमें सारा वोल्टेज मौजूद है, वोल्टेज मौजूद है, लेकिन ये कस्टमर बोल रहा है ऑन नहीं हो रहा, तो इसमें तो पावर सप्लाई ऑन हो रखा है। तो इसमें हम स्पीकर लगा के देखते हैं ये सही में प्रॉब्लम पावर सप्लाई में है या आउटपुट में है। तो हमको देखिए वोल्टेज तो निकलना चाहिए, वो सही से निकल रहा है, देखिए 47 वोल्ट इधर निकल रहा है, ठीक है। देखिए 47 वोल्ट यहाँ पे सही पे काम कर रहा है, लेकिन कस्टमर बोल रहा है ये ऑन नहीं हो रहा। तो इसमें हम एक स्पीकर लगा के देखते हैं ये चलता है या नहीं। स्पीकर लगाने के लिए हमको इसको बंद करना पड़ेगा, एक स्पीकर इधर लगा दिया, इसमें हम सप्लाई देंगे। ये देखिए मॉस्फेट थोड़ा, ये मॉस्फेट थोड़ा कुछ प्रॉब्लम सा दिखाई दे रहा है, तो इस मॉस्फेट को हम चेंज कर देंगे, क्योंकि कभी कभी मॉस्फेट हमारा कमज़ोर हो जाता है। दिखने में तो सही लग रहा है, लेकिन इसको फिर भी इसको चेंज कर देते हैं। कौन सा मॉस्फेट लगा हुआ है, हमारा कैमरा जो है फोकस नहीं कर रहा, देखिए। तो इसमें हम एक मॉस्फेट लगा के देखते हैं, ये देखिए हमने नया ले लिया, ये PATNF55। तो इसको इधर लगा के देखते हैं ये ऑन होता है या नहीं, क्योंकि कभी कभी मॉस्फेट की वजह से ये ऑन नहीं होता है। इसमें देखिए जो मॉस्फेट लगा हुआ है, इसमें थोड़ा हैवी लगा देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये बहुत हैवी वाला है। इसमें हम साफ कर लिया इस पिन को, देखिए इस तरह से बैंड कर देना पड़ेगा। तो इसमें हम इसमें सोल्डरिंग कर देते हैं, उसके बाद इसमें लाइन दे करके इसका वोल्टेज फिर से चेक करेंगे और ऑडियो भी चेक करेंगे, इसका साउंड भी सुनाएंगे आपको, देखते रहिए। इसको ये हमारा सोल्डरिंग हो चुका है, इसमें हम थोड़ा सा थिनर से इसको साफ कर देते हैं, क्योंकि अगर इसमें शॉर्ट हो गया तो साथ साथ ये उड़ जाएगा।
देखिए ये हमने इसमें अच्छे से इसको सोल्डिंग कर दिया, और ये पुराना वाला ये वाला था, ठीक है। तो इसमें हम फिर से लाइन देंगे, देने के बाद देखेंगे ये ऑन होता है या नहीं, क्योंकि ऑन होने से यहाँ पे इंडिकेटर है वो जलेगा। देखिए दोस्तों इंडिकेटर इधर जलने लगा है, तो इसमें हम ऑडियो चेक करते हैं, ऑडियो इसमें मौजूद है। इसमें साउंड भी आएगा दोस्तों, भी तो इसको फिटिंग कर लेते हैं, क्योंकि बिना फिटिंग के इसमें लोड नहीं दे सकते, नहीं तो हमारा मॉस्फेट खराब हो जाएगा। देखिए आसान थोड़ा सा इसमें काम था, तो इसमें लगा करके आपको इसका साउंड भी सुनाएंगे, देखते रहिए। पहले इसको फिटिंग कर लेते हैं, इस तरह का था इसमें ये छोटा सा हेसिंग इसमें लगाएंगे। इसका स्क्रू लगा करके कंप्लीट फिटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने इसका सर्किट लगा लिया है देखिए, और यहाँ पे चार स्क्रू है, इसको भी लगा के उसके बाद आपको इसका ऑडियो सुनाते हैं, ऑडियो सही से आ रहा है या नहीं। हमने इसमें वोल्टेज देखा था, वोल्टेज आ रहा था, लेकिन इसमें थोड़ा एम्पियर का इशू था, मतलब एक मॉस्फेट इसका ट्रक कट गया था, इसकी वजह से इस पर सही से ऑन नहीं हो रहा था। तो ये हमने इसका तो मॉस्फेट चेंज कर लिया है, और इसका भी ये अभी मॉस्फेट चेंज करने के बाद ये ऑन हो चुका है, तो इसमें ऑडियो भी निकल चुका है। तो इसमें हम थोड़ा सा इसका कोई भी वॉइस मतलब साउंड, कोई भी साउंड हम आपको सुनाएंगे थोड़ा सा। ये हमने इसको पलट लिया है, इसका जो नीचे का स्क्रू है हम बाद में लगाएंगे, आपको दिखाने के लिए हमने जल्दी जल्दी इसमें स्क्रू लगा लिया थोड़ा सा। इसमें एक छोटा सा हमारे पास ऑफर है, ये ऑफर हम इसमें लगाएंगे और इसमें इसका साउंड आपको सुनाएंगे। तो इसको साउंड सुनाने के लिए हमें जो है कोई भी ऑडियो देना पड़ेगा, हम ऑडियो इधर लगा लेते हैं। ये हमने ये वाला इनपुट हमारा कनेक्शन वगैरह हो चुका है, तो इसमें हम फिर से लाइन देंगे। लाइन देने के बाद यहाँ पे इंडिकेटर आ जाएगा, तो इसमें हम सप्लाई देते हैं। ये हमने 12 वोल्ट का एडाप्टर लगा दिया, देखिए इंडिकेटर इधर ग्लो हो रहा है। तो इसमें हम स्पीकर लगाएंगे, हमने इसमें ऑडियो लगा के रखा हुआ है, ये हमने ऑडियो का भी पावर सप्लाई ऑन कर दिया, तो इसमें ऑडियो इन हो चुका है। इसमें हम अभी स्पीकर लगाएंगे, लगाने के बाद देखेंगे इसमें साउंड किस तरह से आ रहा है। सही नीतियों को अपनाया है और बहुत ही साहस काम करेंगे या राम मंदिर का राम राम जी काम करेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा आत्मविश्वास है। इस बार कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं हुई, सभी देख रहे थे आपकी और उम्मीद भरी नजरों से कि कम से कम टैक्स रिबेट तो मिल जाएगा, लेकिन क्योंकि पिछले साल वो हो चुका है तो ऐसे में इस बार देखिए इसमें वूफर अभी काम कर रहा है, ठीक है काम कर रहा है बढ़िया से। इसमें हम इसमें लो हाई का बटन रहता है, स्विच रहता है, जब भी हम लो में देंगे तो साउंड इसका बेस आएगा, और हाई में देंगे तो इसमें ट्रेवल निकलेगा, ठीक है। ये हमने अभी कर गए हाई में, देखिए निवेश में हम लोगों ने 10 लाख करोड़ से 11 लाख। एम्पलीफायर हमारा सही हो चुका है, इसमें अभी किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पूछना हो तो कमेंट पे पूछ सकते हैं, ठीक है, तो हम जवाब देने की कोशिश करेंगे जितना हो सके।
जवाब देने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।